हरबन लेट डिस्कस अबाउट खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्हें हम सीमांत गांधी, फक्रे अफगान तथा बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। इन्हें 1987 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। लेट स्टार्ट। देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान का जन 1890 ईस्वी में नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर सिटी उतमनजाई में, जो आजकल पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ हुआ था। और ये एक पश्तून थे और इनकी फैमिली एक वेल्दी लैंड ओनर्स थी। इनका एक निकनेम बाचा खान या किंग ऑफ चीफ्स या बादशाह खान भी था। इनकी मृत्यु 20 जनवरी 1988 ईस्वी में हुई पेशावर में, और इनकी इच्छा अनुसार इनको इनके घर जलालाबाद अफगानिस्तान में दफनाया गया। देखो, इनको और क्या क्या बोलते थे, इनको बादशाह खान भी बोलते हैं, किंग खान, फ्रंटियर या सीमांत गांधी, या बादशाह खान, किंग ऑफ चीफ्स बोलते हैं, बादशाह खान भी बोलते हैं, और इनको हम फकरे अफगान यानी प्राइड ऑफ अफगान से भी बोलते हैं। ये एक पश्तून फ्रीडम फाइटर थे, इंडियन एक्टिविस्ट लीडर रहे हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे। एक पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, जो अपने नॉन वायलेंट अपोजिशन के लिए जाने जाते रहे, तथा इन्होंने खुदाई खिदमतगार की एक रेड शर्ट की स्थापना की थी। देखो, ये है आपका खैबर पख्तूनवा, जहाँ ये इनका रीजन था। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी बोलते हैं, ये एक पश्तून थे, और इन्होंने पश्तून नाम का एक जर्नल भी निकाला था। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जिसे हम आजकल खैबर पख्तूनवा भी बोलते हैं। अच्छा, इन्होंने ही रेज्ड अ खुदाई खिदमतगार, एक खुदाई खिदमतगार, या इसको बोलते हैं सर्वेंट्स ऑफ गॉड, या एक नाम है रेड शर्ट, लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी, जिसने सविनय अवज्ञा 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देखते हैं, देखो, जो खुदाई खिदमतगार था, इनका जो संगठन था खुदाई खिदमतगार, एक्टिवली एडेड द कांग्रेस पार्टी कॉज अप टू द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। 1947 तक जब तक तो विभाजन नहीं हो गया, तब तक तो खुदाई खिदमतगार जो इनका संगठन था, उसने कांग्रेस पार्टी की सहायता की। खान अब्दुल गफ्फार खान ये विभाजन के विरोधी थे, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने पाकिस्तान में रहना स्वीकार किया। और फिर पाकिस्तान रहने के बाद ये पश्तून माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ते रहे, और एक ऑटोनोमस रीजन पश्तूनिस्तान की मांग करते रहे। उनका एक संस्मरण है, माई लाइफ एंड स्ट्रगल, मेरा जीवन और संघर्ष, ये 1969 में इसको पब्लिक किया गया था। बाचा खान जो है, ये इन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी कि भारत का विभाजन किया जाए, उसके खिलाफ थे। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विभाजन को स्वीकार कर लिया था, जब बिना उनसे खुदाई खिदमतगार के लीडर से कंसल्ट किए बिना, तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस, यू हैव थ्रोन अस टू द वॉल्स, आपने हमें भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। मतलब ये एक तरह से इंडिया पाकिस्तान विभाजन के विरोधी थे। अच्छा, एक है, इनको प्रो इंडियन एक्टिविस्ट माना जाता है, इनको कई बार बहुत सारा जेल भी जाना पड़ा। 1969 में इन्होंने इंडियन पार्लियामेंट को संबोधित किया, जब ये महात्मा गांधी की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ आए थे। जब ये इंडियन पार्लियामेंट को संबोधित कर रहे थे, तो इन्होंने कहा था, आई केम टू सी द लैंड ऑफ गांधी, मैं गांधी की भूमि देखने आया हूँ। ये 1969 में इंडिया आए थे। चलते नेक्स्ट। इनको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया गया था 1967 में। 1967 में इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए इनको जवाहरलाल नेहरू अवार्ड दिया गया, और गांधी जी के बाद एशिया में यही सबसे प्रभावशाली लीडर थे। एंड ही वाज अवार्डेड भारत रत्न, द हाईएस्ट इंडियन ऑर्डर, इन 1987। और फिर 20 जनवरी 1988 को इनकी मृत्यु हो गई है। सो दिस वाज अबाउट खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको बादशाह खान भी बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, इनको 1967 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड मिला और 1987 में भारत रत्न मिला। इन्होंने खुदाई खिदमतगार या रेड शर्ट की स्थापना की, तथा 1930 के सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, तथा ये भारत पाकिस्तान विभाजन के विरोधी थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान में रहे, और कई बार इन्हें जेल में डाला गया। इन्होंने अपोजिशन पार्टी की भी स्थापना की थी। सो दिस वॉज अबाउट खान अब्दुल गफ्फार खान। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।